एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। सो गाइस एक और न्यूज़ को हम कवर करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओवर 51 केसेस, वर्न केसेस में होता है झुलसने के मामले ना, आग लग के जो जिस झुलस जाते हैं उनके लिए 50 से ज़्यादा मामले हैं आग से झुलसने के इन अ सिटी सिटी में ऑन दिवाली दिवाली को। 5 ईयर ओल्ड क्रिटिकल, 5 साल का कोई बच्चा है वो क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन्स होता है गंभीर, ठीक है। वर्न केसेस मिस होता है झुलसने के मामले, आग लगने जो जो आग लग के झुलस जाते हैं। 2 पीपल मतलब 2 लोग इंक्लूडिंग अ 5 ईयर ओल्ड 5 साल के बच्चे सहित वर एडमिटेड टू अ कॉर्नेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन देहरादून। ये देहरादून में कॉर्नेशन जिला अस्पताल है वहाँ पर एडमिट किया गया है। ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है, ठीक है। इनको एडमिट किया गया है 5 साल के बच्चे सहित। आफ्टर किसके बाद उनको एडमिट किया गया, दे सफर्ड क्रिटिकल वर्न इंजुरीज, वो आग से बहुत बुरी तरीके से झुलस गए हैं। सफर क्रिटिकल वर्न मीन्स होता है आग से झुलस जाना, क्रिटिकल मीन्स होता है गंभीर रूप से, ठीक है। जो आग से झुलस के गंभीर उनको चोटें आई हैं। वाइल बर्स्टिंग क्रैकर्स, क्या करते हुए, वाइल मीन्स होता है के दौरान, ठीक है। बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स मीन्स होता है पटाखे जलाते वक्त उनको, वो आग में झुलस गया बहुत गंभीर रूप से। ऑन दिवाली नाइट दिवाली की रात को, मंडे को आग पटाखे जलाते हुए वो बहुत बुरी तरीके से झुलस गए। डॉक्टर सैड ऑन ट्यूसडे, डॉक्टर ने ट्यूसडे को बोला, ठीक है। दे सैड मतलब ये डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर ने कहा एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेशेंट्स, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मिस होता है बढ़ती हुई संख्या पेशेंट्स की, मरीजों की बढ़ती हुई संख्या हैव बीन कमिंग, आ रही है, ठीक है। टू अ वन यूनिट में जहाँ पे जो झुलस जाते हैं उनका इलाज होता है वहाँ पर, उसके लिए विद अ मॉडरेट मीन्स होता है हल्की फुल्की, ना ज़्यादा ना कम। टू अ क्रिटिकल वन, जो हल्के फुल्के झुलसे हैं और बहुत ज़्यादा झुलसे हैं, झुलस गए सिंस मंडे नाइट से, ठीक है। तो मतलब ये बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। 33 पीपल केम टू हॉस्पिटल, लगभग 33 लोग आए थे हॉस्पिटल में ऑन मंडे नाइट को। वाइल मिस होता है जबकि, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, ठीक है। 18 केम ऑन ट्यूसडे, 18 ट्यूसडे को आए थे, ट्यूसडे मॉर्निंग द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा। दोज विद मॉडरेट वर्न इंजुरीज, जिनको हल्की फुल्की झुलसे थे, मॉडरेट मिस होता हल्के फुल्के, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। वर डिस्चार्ज, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया मतलब छुट्टी कर दी गई है हॉस्पिटल से, छुट्टी कर दी गई है। आफ्टर फर्स्ट एड के बाद में उनकी छुट्टी कर दी गई है। दे सैड, उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ दीज वर्न इंजुरीज, अधिकांश, मोस्ट ऑफ मीन्स होता अधिकांश जो ये झुलसने वाली जो चोटें हैं वर फायर क्रैकर्स रिलेटेड, तो ये पटाखों से रिलेटेड है, पटाखों से संबंधित, मतलब मोस्ट अधिकतर लोगों को चोट पटाखों से लगी है। टू ऑफ दीज पेशेंट्स आर इन क्रिटिकल कंडीशन, इनमें से 2 जो हैं, जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, इन क्रिटिकल कंडीशन, गंभीर कंडीशन में है, मतलब गंभीर हालत में है। दे सैड दे आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, उनका अंडरगो ट्रीटमेंट मीन्स होता है इलाज चलना, दे आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, उनका इलाज चल रहा है एट द हॉस्पिटल, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वी हैव बीन अर्जिंग द पब्लिक, हम अर्ज मीन्स होता है किसी को रिक्वेस्ट करना, विनती करना। वी हैव बीन अर्जिंग द पब्लिक टू रिमेन वेरी केयरफुल, हम पब्लिक जो लोगों से हम बहुत क्या कहते हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रिमेन केयरफुल मीन्स होता है सतर्क रहें। विद द क्लॉथ, कपड़ों के साथ में, दे वियर जो वो पहनते हैं ऑन द ओकेजन, जो इस अवसर पे जो कपड़े पहनते हैं वो इस चीज़ पे अलर्ट रहें, इस पे ध्यान रखें। मोस्ट ऑफ द इंजरीज आर सीन, अधिकतर जो इंजरीज हैं वो देखी गई हैं। मोस्ट ऑफ द इंजरीज आर सीन इन टीनेजर्स, जो टीनेजर हैं वो टीनेजर में देखी गई है और यंग एडल्ट्स में देखी गई है। हु ऑफन डोंट हीड द एडवाइस, जो अक्सर, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, हीड द एडवाइस मीन्स होता है सलाह पे ध्यान देना, जो अक्सर सलाह पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। सैड डॉक्टर कुश एरोन है, उन्होंने बोला लॉन्ग वर्न सर्जन है ये एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के। एरोन सैड
द 5-year-old बॉय सफर्ड 25% वर्न इंजरीज, जो 5 साल का जो बच्चा है उसको 25% वो झुलसाया है। वाइल अदर क्रिटिकल पेशेंट्स, जबकि जो दूसरे हैं वो बहुत ही गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। अ 26-year-old वुमेन, एक 26 साल की औरत है, सफर्ड 70% वर्न इंजरीज, वो लगभग 70% जल चुकी हैं, झुलस गई हैं। आफ्टर द सिंथेटिक क्लॉथ कॉट फायर, क्यों किसके बाद जली है, किसके बाद उनको झुलसी हैं, क्योंकि उन्होंने सिंथेटिक क्लॉथ पहने हुए थे जो कपड़ों को जल्दी पकड़ लेते हैं। कॉट फायर, उनके कपड़ों ने उनकी आग पकड़ ली। ठीक है, लास्ट ईयर, पिछले साल, ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली के दौरान, ड्यूरिंग में होता के दौरान, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ट्रीटेड 66 पेशेंट्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, जिला अस्पताल, उन्होंने ट्रीट मींस किया, इलाज किया 66 पेशेंट्स का, मरीजों का, विद द वॉर इंजरीज, जो झुलसे हुए थे आग से। ठीक है, द कॉर्नेशन हॉस्पिटल, द ओनली स्टेट रन हॉस्पिटल, जो कॉर्नेशन हॉस्पिटल है ये राज्य द्वारा चलाया जाता है, इन द सिटी, राज्य शहर में, ठीक है, डेट ट्रीट्स वॉर इंजरीज, जो ट्रीट करता है, ये इसके बारे में, हॉस्पिटल के बारे में होती है बात हो रही है, जो इलाज करता है वर्न इंजरीज का, जो आग से झुलसे हुए होते हैं। हैज़ अ 10-bed वर्न यूनिट, उनके पास सिर्फ 10 ही बेड हैं वर्न यूनिट के, एंड अ ड्रेसिंग रूम, और एक ड्रेसिंग रूम है। ठीक है, ऑन दिवाली नाइट, दिवाली की रात को, एट फायर टेंडर्स वर डिप्लॉयड, डिप्लॉय मीन्स होता है ड्यूटी लगाना, ठीक है, तैनात करना, तो 8 जो फायर टेंडर्स थे उनको तैनात किया गया था इन द सिटी में, टू थ्वार्ट एनी फायर एक्सीडेंट, कोई फायर की घटना ना होना रोकने के लिए, थ्वार्ट मीन्स होता है किसी की चीज़ को रोकना, होने से स्टॉप करना किसी कोई चीज़ होने से। ठीक है, नो मेजर फायर एक्सीडेंट हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम देहरादून डिस्ट्रिक्ट से कोई बड़ी घटना आग की, मेजर मिस होता बड़ी, नो मेजर मिस होता कोई बड़ी आग की घटना नहीं देखी गई। ऑन दिवाली नाइट, दिवाली की रात को, अ कॉमर्शियल यूनिट इन ऋषिकेश कॉट फायर, ये कोई कॉमर्शियल यूनिट है ऋषिकेश में, उनको कैच फायर मिस होता आग लग जाना, उनको आग लग गई थी, बट इन नो इंजुरी वर रिपोर्टेड, कोई भी इंजुरी रिपोर्ट नहीं की गई। इन देहरादून में अ शॉप कॉट फायर, एक शॉप को आग लगे, कैच फायर में से होता आग लग जाना, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट फायर, एक जो शॉप थी उसे आग लग गई, बट इट वाज कंटेंड क्विकली, इट वाज कंटेंड मीन्स होता है कंट्रोल कर लेना, ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ने से रोक लेना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, इट वाज कंटेंड क्विकली, तुरंत इसको कंट्रोल कर लिया गया, बढ़ने से रोक लिया गया, कंटेंड मीन्स होता बढ़ने से रोकना किसी चीज़ को। सैड अ चीफ फायर ऑफिसर राजेंद्र खाती, जो राजेंद्र खाती थे फायर ऑफिसर, उन्होंने ये बताया। ठीक है, तो इसमें आइए देख लेते हैं कुछ टफ वर्ड्स। क्रिटिकल मिस होता है गंभीर, ठीक है, फायर सफर क्रिटिकल वर्न, आग में झुलसना गंभीर रूप से। बर्स्ट फायर क्रैकर्स पटाखे जलाना, ठीक है, एंड डिस्चार्ज मिस होता है छुट्टी मिलना। अंडरगो ट्रीटमेंट्स मिस होता है इलाज चलना, ठीक है, हीड एडवाइस मिस होता है एडवाइस सुनना, ठीक है, एंड ऑफन मिस होता है अधिक अक्सर। क्रिटिकल पेशेंट मिस होता है गंभीर, जो पेशेंट होते हैं जिनकी हालत बहुत नाजुक होती है। ड्यूरिंग मिस होता है के दौरान। ट्रीट मिस होता है किसी को सही करना, ठीक है, एंड थॉट मिस होता है किसी चीज़ किसी बुरी चीज़ को रोकना ना होने से, ठीक। डिप्लॉय मिस होता है किसी भी ड्यूटी में तैनात करना, एंड दिवाली नाइट। कैच फायर मिस होता आग लगना। कंटेंट मिस होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। सो गाइस।